Namaskar. We are watching the Shyam Sharma video on Savarkar. We'll continue the discussion without wasting any time. I'll give link to the original video in the description. Go and check it out. Come and react with me. Give me a thumbs up. Subscribe to the channel. Let's start. अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सावरकर की मेन आइडियोलॉजीज क्या थी और किस तरह से बीजेपी ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन आइडियोलॉजीज को अडॉप्ट करके मॉडर्न इंडिया में इंप्लीमेंट किया है। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, सावरकर जी ने हिंदू क्या होता है और हिंदुत्व क्या होता है उनकी क्लियर डेफिनेशन दी थी। हिस्टोरिकली आपने देखा होगा कि द वर्ड हिंदू उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु नदी के आसपास रहते थे। हिंदू बेसिकली जो शब्द है वो सिंधु का अपभ्रंश है। जब अरबिक इन्वेडर्स भी भारत आए थे तो इंडिया लोगों को वो हिंदू ही कहते थे। इनफैक्ट 1872 में जब पहला सेंसस हुआ था तब अंग्रेजों ने क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को भी हिंदू ही करार दिया था। बेसिकली हिंदू शब्द का इस्तेमाल इंडिया के लोगों को एक कल्चरल और जियोग्राफिकल सेंस में भी डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वीर सावरकर ने हिंदू होने के तीन बड़े क्राइटेरिया बताए। उन्होंने कहा, एक, जो भारत वर्ष को अपनी मदरलैंड मानता है। दूसरा, जो भारत को अपनी पितृभूमि मानता है, यानी ये मानता है कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो इसी जमीन पर पैदा हुए हैं, इसी जमीन के लोग हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। और तीसरा कि वो इस जमीन को अपनी पुण्य भूमि मानता है या अपना होली लैंड मानता है। उनका होली लैंड भारत में है, भारत के बाहर नहीं है। हिंदू वो है जो भारत के कल्चर को, भारत के सिविलाइजेशन को अपना कल्चर और अपना सिविलाइजेशन मानता है। मैं तो कहता हूँ कि जैसे जैसे इंडिया की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इंडिया की इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ रही है, जो पहले दो क्राइटेरिया है वो हमको थोड़े फ्लेक्सिबल कर देने चाहिए ताकि और भी लोगों को सनातन धर्म से जोड़ा जा सके। और इसलिए वीर सावरकर के हिंदुत्व के मुताबिक चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, आप सभी सिविलाइजेशनली कल्चरली हिंदू हैं और इस देश का एक अभिन्न हिस्सा हैं। सावरकर मानते थे कि हिंदुत्व भी हिंदुइज्म का ही ब्रॉडर पार्ट है। उनके मुताबिक हिंदुत्व भारत के लोगों में तीन कॉमन आइडेंटिटीज को कन्वे करता है। पहला है कॉमन नेशन यानी हिंदू राष्ट्र, कॉमन रेस यानी हम लोग एक ही देश के, एक ही सिविलाइजेशन के, एक ही लोगों के बच्चे हैं, कॉमन संस्कृति यानी एक डिस्टिंक्ट वे ऑफ लाइफ, एक डिस्टिंक्ट वर्ल्ड व्यू, डिस्टिंक्ट रिचुअल्स, कस्टम्स, आर्ट्स, क्राफ्ट एटसेट्रा, जिनको मुस्लिम और क्रिश्चियन कल्चर से बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। सावरकर के मुताबिक हिंदुत्व कल्चरल आइडेंटिटी को डिनोट करता है, कल्चरल नेशनलिज्म को डिनोट करता है, जिसमें सारे इंडियन रिलीजन्स को इंक्लूड किया जा सकता है। एक्चुअली ऑल्सो लाइक वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज, सावरकर बिलीव्ड के जो सनातन धर्म है इट इज पार्ट ऑफ हिंदुइज्म ओनली, सो सिमिलरली हिंदुत्व इज पार्ट ऑफ हिंदुइज्म ओनली, लाइक ऑल ऑफ दिस फॉल्स अंडर अ वाइडर अम्ब्रेला ऑफ हिंदुइज्म, सनातन धर्म एंड दिस थिंग हिंदुत्व, एंड ऑल्सो देर आर अदर आर्य समाजिस, ब्रह्म समाजिस, इट ऑल फॉल्स अंडर हिंदुइज्म including Islam and Christianity. हिंदुत्व सिर्फ एक religious concept ही नहीं बल्कि एक cultural और political concept भी है। हिंदुत्व जो है वो socially, politically और जरूरत पड़े तो militarily हिंदुइज्म को protect करने के लिए बनाया गया है। हिंदुत्व मानता है कि भारत में सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए लेकिन इस society में हिंदू civilization को first among equals का दर्जा देना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे UK एक secular देश है लेकिन वहाँ पर British Christian culture को first among equals का दर्जा दिया जाता है। वहाँ के Prime Minister अभी भी उनकी monarchy के सामने घुटने टेकते हैं और चर्च ऑफ इंग्लैंड के सामने घुटने टेकते हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसे यूएसए में भी क्रिश्चियन कल्चर को फर्स्ट अमंग इक्वल्स का दर्जा दिया जाता है, इसके बावजूद कि अमेरिका एक सेक्युलर देश है। वहाँ की करेंसी पर भी लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट और वहाँ के प्रेसिडेंट चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, दोनों बाइबल पर स्वरिंग इन सेरेमनी में ओथ लेते हैं। और इवन बिहाइंड जजेस इन जुडिशियरी इट सेज इन गॉड वी ट्रस्ट। आज की अगर आप बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी को देखेंगे, एंड गॉड तो भाई वही, यू नो व्हाट व्हिच गॉड दे टॉकिंग अबाउट, गणेश जी की बात तो कर नहीं रहे, ना ही अल्लाह की बात कर रहे हैं, सो यू नो व्हिच गॉड दे टॉकिंग अबाउट, तो उसमें बहुत खास डिफरेंस नहीं है वीर सावरकर की आइडियोलॉजी से। आप अगर नेशनलिज्म और नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो आप देखिए मोदी सावरकर से कितना इंस्पायर हुए हैं। गांधी जी इंटरनेशनलिज्म में मानते थे, उनके मुताबिक हमारा नेशन ताकत पे बेस्ड नहीं होगा बल्कि हमारा नेशन प्यार, सत्य और अहिंसा पर बेस्ड होगा। गांधी जी का तो ये कहना था कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत को इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस को डिसमेंटल कर देना चाहिए, जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट नेहरू जी ने भी एक बार ये कहा था कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का कोई पॉलिटिकल खतरा है नहीं, और जब खतरा नहीं है तो इंडियन आर्मी रखने की क्या जरूरत है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम पॉलिटिकली सॉल्व कर लेंगे। अरे इंडिया में तो चाट के मामले पे इतने बड़े बड़े रॉयल रंबल हो जाते हैं यार, इनको लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले बातचीत से सुलझा लिए जाएंगे। गांधी जी तो इनफैक्ट यहाँ तक कहते थे कि मुस्लिम्स अगर हिंदुओं को मारना चाहे तो हिंदुओं को खुशी खुशी मर जाना चाहिए, वापस हिंसा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तो गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोगों को मिसगाइडेड पेट्रियट्स बताया था। इसलिए वीर सावरकर गांधी जी के इस नेशनलिज्म से स्ट्रांगली डिसएग्री करते थे। वो गैरिबाल्डी और बिस्मार्क के नेशन के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखते थे। In fact, Gandhi ki sirf political beliefs hi weird nahi the, all of his social beliefs were also weird.
and all of his social beliefs, some of his social beliefs have creeped into the constitution. So that has also generated a lot of problems over the years. But thankfully, we had Dr. Ambedkar, who was constantly fighting against this Gandhian set of principles, so that our constitution was safeguarded at least. मुताबिक नेशन सॉवरन यूनाइटेड और ताकतवर होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग एक इफेक्टिव डेमोक्रेसी बिना एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के सर्वाइव ही नहीं कर सकती। यहाँ तक कि इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंस के समय पर ये गुहार भी लगाई थी हिंदुओं से कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग में और हिंदू धर्म के रक्षक बने। सावरकर के ऊपर अक्सर आरोप लगता है कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के समय पर हिंदुओं को ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा, इसलिए उन्हें ब्रिटिश कोलैबोरेटर बोला जाता है। लेकिन उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। उन्होंने देखा कि हिंदू कम्युनिटी, जिससे महाराणा प्रताप, बाजीराव पेशवा, शिवाजी महाराज और गोविंद सिंह जैसे योद्धा निकल कर आए हैं, वो पूरी तरह से डीमिलिटराइज हो चुकी है। उस समय भारत में कई मुस्लिम लीडर्स थे जो अफगानिस्तान के अमीर से गुहार लगा रहे थे कि जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर टू में लगा हुआ है, उस समय आप भारत पर अटैक कीजिए और गजवाए हिंद का सपना पूरा कीजिए और पूरे भारत में इस्लाम का परचम फहराइए। वीर सावरकर ने देखा कि हिंदुओं को मिलिट्राइज होना पड़ेगा और वेपन्स यूज करना सीखना पड़ेगा। उसका सबसे बेस्ट तरीका था उस समय कि ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कीजिए, ताकि अगर अफगानिस्तान से हमला होता है तो हिंदू तैयार रहे अपने देश को डिफेंड करने के लिए। इनफैक्ट वीर सावरकर का ये भी मानना था कि जहां तक नेशनल डिफेंस की बात आती है, वहां पर ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस और शस्त्र बल इज द बेस्ट गारंटी ऑफ पीस। हाँ, ये चीज मूवी में भी बताते हैं। सावरकर बोलते हैं कि अभी सीख लो हाउ टू फाइट, हाउ टू यूज वेपन्स, और वक्त आने पर बंदूक किसकी तरफ घुमानी है वो हम बाद में तय करेंगे। तो एटलीस्ट लर्न हाउ टू फाइट विद मॉडर्न वेपन्स इज वॉट ही वॉन्टेड। सो ध्रुवराठी की वीडियो में भी ये था कि सावरकर वॉज रिक्रूटिंग, बट we know what he meant, what was the reasoning behind it. Ruvrati just cherry picked some of the things. नेहरू जी ने जब कहा था कि भारत न्यूक्लियर पावर जैसे हथियार का विरोध करेगी, तो उसके खिलाफ भी वीर सावरकर ने असहमति जताई थी और कहा था कि भले ये बात नैतिकता के मामले में सही हो, लेकिन ये दुनिया नैतिकता पर नहीं चलती, रियल पॉलिटिक्स पर चलती है, और इसलिए भारत को एक न्यूक्लियर पावर बनना बहुत जरूरी है। और आप देखिए कि उस आइडियोलॉजी से मोदी कितना इंस्पायर हुए हैं। मोदी ने एक बार कहा था, भारत को जहां से भी खतरा होगा हम घर में घुस करके मारेंगे। आज भारत एक स्ट्रेटजी और मिलिट्री पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। मोदी गवर्नमेंट ने इंडियन मिलिट्री, ये थोड़ा सेंटिमेंट यंगस्टर्स का भी है, दैट मोदी सेड इन हिज स्पीच। तो इट इज अ सेंटिमेंट दैट हैज बीन डेवलपिंग ओवर द इयर्स एंड नाउ इट हैज रीच्ड इट्स पिनाकल। तो व्हेन मोदी सेड दिस, ही रिफ्लेक्टेड बोथ द थिंग्स। ही रिफ्लेक्टेड व्हाट सावरकर थॉट एंड ही आल्सो रिफ्लेक्टेड व्हाट द यंगस्टर्स एंड द पीपल ऑफ इंडिया आर नाउ थिंकिंग। को स्पेशल प्रायोरिटी दी है। इंडिया ने 48,000 करोड़ की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ एक डील साइन की है, जिसमें 83 नए तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्रिएट किए जाएंगे। इंडिया इंडिजिनस नाग MP-80GM इंडक्शन के लिए डेवलप कर रहा है। जब 2016 में उरी के ऊपर आतंकवादियों ने अटैक किया था, इसके जवाब में इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय किए और वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इंडिया ने पाकिस्तान के 7 लॉन्च पैड तबाह करके 35 से 70 टेररिस्ट की लाशों का ढेर खड़ा कर सिर्फ 4 घंटों में ले लिया। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो। जब 2019 में पुलवामा पर हमला हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान में बालाकोट में घुसकर बम गिराया। IAF aircraft sneaked onto Pakistani soil and wreaked havoc on the terror camps. And that's how Operation Bandar was initiated. जब चाइना में भूटान के डोकलाम पर कब्जा करने की कोशिश की, तब इंडिया ने करारा जवाब दिया चाइना को। 2-3 और स्कर्मिशेस हो चुके हैं चाइनीज बॉर्डर पर, जहां पर इंडिया ने दिखाया है चाइनीज आर्मी को कि वो पीछे नहीं हटने वाले। जमीन कब्जा करने में चाइना से सिर्फ एक ही बंदा आ गया है। और जहां तक रियल पॉलिटिक्स की बात आती है, तो आप देखिए कि ना सिर्फ भारत अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अलग अलग आइडियोलॉजी के देशों के साथ भी बहुत स्मार्टली रिलेशनशिप बना रहा है। आप देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के समय पर उसने रशिया के साथ अपनी दोस्ती कायम रखी, उन्होंने उसके साथ साथ अमेरिका के साथ भी एक क्लोज दोस्ती रखी हुई है। उसके साथ साथ UAE और सऊदी अरेबिया जैसे बड़े मुस्लिम देश भी इंडिया के बहुत करीबी दोस्त हैं। और मुस्लिम देशों के साथ इतनी करीबी दोस्ती रखने के साथ साथ इजराइल जैसे ज्यूइश देश के साथ भी इतनी क्लोज दोस्ती बनाकर रखी हुई है। सावरकर ये भी मानते थे कि इंडिया को अगर एक ताकतवर देश बनना है तो हिंदू कम्युनिटी को यूनाइट करना बहुत जरूरी है। वो मानते थे कि हिंदूज को कास्ट और सेक्टेरियन डिफरेंसेस खत्म करने बहुत जरूरी है। और बीजेपी भी देखिए कि टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स और हिंदुत्व दोनों का इस्तेमाल करके किस तरह से हिंदू सोसाइटी के बीच के जो बैरियर्स हैं उनको तोड़ रही है और उन्हें यूनाइट कर रही है। राम मंदिर देखिए, इसका एक एग्जांपल है यूपी की पॉलिटिक्स।
पहले यूपी में एवरीवन वोटेड ऑन कास्ट लाइंस व्हिच हैज नाउ रिड्यूस्ड टू रिलीजियस लाइंस बट इट इज अ गुड साइन एटलीस्ट क्योंकि जो पहले पार्टीज थी मायावती को वोट करते थे सीएसटी कम्युनिटी एंड सम ऑफ द ब्राह्मण कम्युनिटी एज वेल बिकॉज ऑफ कांशीराम एंड अखिलेश यूज्ड टू गेट द यादव वोट्स एंड द बीजेपी कांग्रेस वुड fight for the general votes but now all the Hindus have gotten together and they all vote for BJP more or less and all the Muslims have gotten together and they vote for SP why not because SP somehow represents the Muslim but it is the only viable option that can defeat BJP ये कितनी बड़ी पोल प्रॉमिस है जिसको भारत के सभी लोगों ने चाहे उनका कुछ भी कास्ट हो सेलिब्रेट किया है इनफैक्ट राम मंदिर मूवमेंट में सबसे बड़ी मात्रा में ओबीसीज और दलित ही लगे हुए थे मोदी जी और आरएसएस हमेशा बात करती रहती है कि किस तरह से भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को नष्ट करना जरूरी है मोदी जी ने पिछले महीने ही वाराणसी में संत रविदास की मूर्ति का उद्घाटन किया संत रविदास एक बहुत बड़े भक्ति सेंट थे जो कास्ट भेदभाव के खिलाफ लड़ते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने टेन्योर में वीकर और बैकवर्ड सेक्शंस को डेवलप करके फाइनेंशियल पॉलिटिकल और सोशल मेनस्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश की है हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास दलित वंचित आदिवासियों का विकास जैसे प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण नेशनल पोर्टल जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट और सैनिटेशन वर्कर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को भारत की मेन स्ट्रीम से जोड़ सके इनफैक्ट इंटर कास्ट मैरिज स्कीम्स भी प्रमोट की गई है मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए स्कॉलरशिप भी प्रमोट की Actually, Savarkar also pointed this out to Gandhi. He said ke inter dining se kuch nahi hone wala. That will not remove the caste lines. Kyunki kha pi ke apne apne ghar chale jaoge. The caste lines will not get blurred. He said ke please promote inter caste marriages. Usse hi actual mein caste lines blur hongi. And it is something that used to happen in Vedic times. Like jo Karn jis family ko tha, who was his adopted family, the Sut caste that we talk about, is basically when Brahmin girl marries a Kshatriya boy. It could be other way around. But it is one of the other. That is like intervarna marriage only. गई है 1 लाख से ज्यादा वंचित लोगों को इस योजना का लाभ मिला है मुद्रा योजना हो उज्ज्वला योजना हो घर घर पानी पहुंचाने की योजना हो जैम ट्रिनिटी से टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स हो इन सब का फायदा आज आप देखिए कि 2019 में 2014 के कंपैरिजन में ओबीसी कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी और अपर कास्ट कम्युनिटी सबका सपोर्ट बीजेपी के लिए बढ़ा है सब लोग अपने कास्ट बैरियर्स को भूलकर हिंदुत्व के बैनर में आकर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और साथ जुड़ रहे हैं सावरकर इंडिया के पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने ओपनली इसराइल को सपोर्ट किया था और भारत का एक दोस्त बताया था सावरकर ने यह भी कहा था कि ज्यूज बेसिकली हिंदुओं के भाई की तरह ही हैं उनका मानना था कि जिस तरह हिंदुओं का मर्डर ही वाज सो अहेड ऑफ हिज टाइम ही वाज राइट अबाउट सो मेनी थिंग्स दैट पीपल आर रियलाइजिंग नाउ फादरलैंड भारत है उसी तरह ज्यूज का फादरलैंड इजराइल है और उस इजराइल की जमीन पर ज्यूज का पूरा हक होना चाहिए और आप देखिए कि वही रिलेशनशिप मोदी ने किस तरह से डेवलप की है अपने कार्यकाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी इनफैक्ट पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने एक ऑफिशियल दौरा किया था इजराइल का इंडिया के साथ इजराइल की पार्टनरशिप बहुत क्लोज हुई है पिछले 10 सालों में इंडिया इजराइल रिलेशनशिप को 2017 में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेयर कर दी गई थी इंडिया इजराइल का वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म कस्टमर बन गया है उनकी मिलिट्री टाइज जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक हो गई है जब इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था तो मोदी जी वॉज द फर्स्ट पीपल जिन्होंने आकर कहा था कि हम इसराइल के खिलाफ हो रहे इस टेररिज्म की निंदा करते हैं और हम फुली इसराइल को सपोर्ट करते हैं अगर इंडिया में एक हिंदू मेजोरिटी रखने की भी बात करें तो सावरकर भी यही चाहते थे सावरकर ने 1950s में ही एक चेतावनी दे दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है असम में बांग्लादेश से उससे इंडियन सोसाइटीज में प्रॉब्लम होने वाली है और असम की कल्चरल आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचने वाला है ये प्रॉब्लम्स भी अब हम जाके फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से एनआरसी और सीएए लाना पड़ रहा है सो ही सॉ दिस प्रॉब्लम वे बैक देन इसके रिस्पांस में नेहरू जी ने कहा था कि आते हैं तो आने दो ये तो असम में सिर्फ खाली जगह में जाके बस रहे हैं 2000 में हुए एक सर्वे के मुताबिक आज इंडिया में 15 मिलियन से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिसमें हर साल 30 लाख से ज्यादा रोहिंग्यास भारत में इलीगल रूप से घुसपैठ करते हैं इसी कारण प्राइम मिनिस्टर मोदी के मैनिफेस्टो में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी को भारी प्राथमिकता दी गई है एनआरसी एक स्कीम है जिसमें की जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो भारत में आके रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको डिपोर्ट किया जाएगा असम में अकेले अराउंड 5 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं इसी के कारण 2019 में एनआरसी की अपडेटेड ड्राफ्ट भी इम्प्लीमेंट की गई है देखिए सावरकर
मानते थे कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, यानी जब तक हिंदूज भारत में एक बड़ी मेजोरिटी में रहेंगे तब तक भारत का कल्चर, भारत की सिविलाइजेशन सर्वाइव करेगी। जिस दिन हिंदूज की पॉपुलेशन एक लेवल के नीचे आ गए उस दिन भारत का कल्चर खत्म हो जाएगा, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, टू एन एक्सटेंट कश्मीर में हुआ है और अफगानिस्तान में हुआ है। वीर सावरकर का ये भी मानना था कि हिंदू मंदिरों को भी जिस तरह से इस्लामिक आक्रांताओं ने खत्म किया है उनको रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। और बीजेपी की भी कोर फिलॉसफी इसी से इन्फ्लुएंस्ड है। उनका भी मानना है कि डिस्ट्रॉय किए गए मंदिरों को वापस रिक्लेम करना बेहद जरूरी है। हाल में ही राम मंदिर बना है, सोमनाथ मंदिर की रेनोवेशन हुई है, कश्मीर में कई मंदिर है जिनकी रेनोवेशन हो रही है, उज्जैन में उज्जैन कॉरिडोर डेवलप किया गया है, केदारनाथ की रेनोवेशन हुई है, पूरे देश में अलग अलग मंदिर कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं जिनको बड़े बड़े हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा। राम मंदिर को दोबारा रीडेवलप करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम एंड बाय एसोसिएशन सनातन सिविलाइजेशन को इस देश की आत्मा दोबारा बना दी गई है, जिस तरह से एक समय पर हुआ करती थी। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। और यही तो चाहते थे वीर सावरकर। वीर सावरकर ने कहा था कि जिस दिन हिंदू यूनाइट हो जाएंगे उस दिन कांग्रेस ही अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनेगा। और आज देखिए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वही कांग्रेस के लीडर्स हैं जो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, राम भजन गा रहे हैं। केजरीवाल हनुमान भजन गा रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुं लोक उजागर। फारूक अब्दुल्ला और अवेसी को देख लीजिए। मेरे नाम किस गली, गयो मोर राम। मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूँ। और बीजेपी की अगली बड़ी प्रॉमिस है कि काशी और मथुरा में जो मंदिर है उनको भी रिक्लेम किया जाएगा। सावरकर ये भी मानते थे कि रिलीजन के बेसिस पर किसी भी स्टेट को स्पेशल स्टेटस नहीं देना चाहिए। वो कश्मीर पे आर्टिकल 370 लगने के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे कश्मीर में सेपरेटिज्म फैलेगी और कश्मीर को इंडिया से अलग करने की कोशिश की जाएगी। और यही जो गलती हुई थी जिसके खिलाफ सावरकर ने आवाज उठाई थी उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल में खत्म किया गया। 2019 में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। If you guys haven't watched the movie Article 370, please watch it. It's very good. Also, you will realize the importance of the intelligentsia that works behind all of this, the bureaucrats, the security personnel. किस तरह से एक लीगल चैलेंज था, इफ नॉट ओनली पॉलिटिकल, टू एब्रोगेट आर्टिकल 370, और किस तरह से उन लोगों ने एक तरीका ढूंढा टू एब्रोगेट दैट आर्टिकल सो दैट इट स्टैंड्स अप ऑन अपील इन सुप्रीम कोर्ट। तो यू गाइस हैव टू चेक आउट दैट मूवी, नॉट ओनली फॉर दिस, द परफॉर्मेंसेस आर वेरी गुड, द बैकग्राउंड स्कोर विल कीप यू ऑन द एज ऑफ योर सीट, द एक्टिंग, एवरीथिंग, इट्स वेरी वेल मेड फिल्म। और हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने उस एब्रोगेशन को बेसिकली फाइनल भी दे दिया है। और उसका रिजल्ट आप देखिए कि पिछले 4 सालों में सेपरेटिस्ट इंसिडेंट्स कम हुए हैं, सेपरेटिज्म कम हुई है, जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे उनको उठा के जेल में फेंक दिया गया है। शैला रशीद ने भी साइड चेंज कर लिया। कई इंटरनेशनल प्रोग्राम जैसे मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, G20 समिट वहां पर की गई जिससे टूरिज्म बहुत बढ़ी है। हाल में ही अभी जब मोदी दौरा करने गए थे कश्मीर का तो वहां पर उनको बहुत भारी सपोर्ट भी मिला था। यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी अगर हम देखें तो वीर सावरकर मानते थे कि इंडिया में फॉर्मूला रेसिंग भी हो रहा है कश्मीर में। Who could have imagined? प्रॉपर इक्वालिटी, प्रॉपर बराबरी तभी आएगी जब सब लोग एक रिलीजियस कोड को फॉलो करेंगे, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी डाला गया है कि इसको गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया अभी तक। और आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी ये एक बड़ा पोल प्रॉमिस है। बीजेपी ने और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमेशा सपोर्ट किया है और हमेशा इम्प्लीमेंट करने की बातें की हैं। हमारे 1950 से जितने भी चुनावी संकल्प पत्र है इसका एक वादा है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी UCC लाने का प्रयास करेगी। उत्तराखंड में इसको लागू किया गया है, राजस्थान में भी लागू करने की बात हो रही है। अमित शाह ने अशोर किया है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में देश में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू किया जाएगा। इसलिए मेरा मानना है I don't know, will they clash or the reservation will live on the implementation of uniform civil code? If you guys have any idea, please tell me in the comments. कि आज अगर वीर सावरकर जिंदा होते तो जिस तरह मोदी गवर्नमेंट ने भारत की नेशनल सिक्योरिटी को, हिंदू कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाया है और यूनाइटेड किया है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया है, भेदभाव को दूर किया है, उसको देखकर बहुत खुश होते और बहुत प्राउड महसूस करते। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से अगर आज वीर सावरकर जिंदा होते तो
किन चीजों को देखकर खुश होते और किन चीजों को देखकर नाराज या दुखी होते, नीचे कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस, हमारे पेट्रियन पर अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर हमारे पेट्रियन को चेकआउट करें। हम उस पर बहुत सारा बिहाइंड द सीन्स कंटेंट डाल रहे हैं, यहां पर आप मुझे काफी सारी बेवकूफियां करते हुए देख सकते हैं। तो अगर आप पेट्रियन के मेंबर बनना चाहते हैं, नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके आप पेट्रियन बन सकते हैं या मेंबर बन सकते हैं यूट्यूब पर। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। ये सब तो मैं भी करते रहता हूँ। I sometimes I fumble and then I have to say it all over again so that it is easier to edit. So anyway, very nice video. It had two parts in itself. जिसमें first हम बात कर रहे थे कि independence पे वीर सावरकर का क्या impact था, और फिर हम ये बात कर रहे थे कि आज के time पर वीर सावरकर की जो ideologies है उससे कैसे BJP has become politically strong. It was very intelligently done. Savarkar was not only against the special status of Kashmir, he was also against the partition, just like some of the Muslim leaders who were, like Abdul Ghaffar Khan, because he knew, basically he fought for a secular country which would have liberal ideas, but he knew that if Pakistan became a totally Islamic country, then those liberal ideas would not come. So Ghaffar said after independence for Nehru and Gandhi that you have thrown us to the wolves. Anyway, thank you for being here till the very end. Thank you for watching the video, and I'll see you guys in the next one.